गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर वेल दिस इज योर इंग्लिश पीरियड प्लीज टेक आउट योर स्मार्ट इंग्लिश कोर्स बुक पार्ट टेकआउट एंड ओपन पेज नंबर फोर्टी सेवन लास्ट टाइम वी हैव रेड टिल हेयर इसमें हमने पढ़ा था एक गोपी और गोलू नाम के दो बिग गीज होते हैं वो लेक में रहते हैं और वो सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं उनके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं बट उनका एक फ्रेंड होता है जो उनका बेस्ट फ्रेंड होता है उसका नाम कछुआ होता है वो एक टॉर्टोइस होता है ठीक है और वो सब साथ में बहुत खुश होते हैं ओके नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेअर ओके वन समर इट वॉज वेरी हॉट एक समर की बात है बहुत ज्यादा गर्मी थी समर में गर्मी होती है ना समर सीजन में तो उस टाइम भी समर सीजन चल रहे थे और जो दिन था वो बहुत कैसा था गर्म था वेन विल इट रेन सैड गोपी गोपी ने कहा कि अब रेन कब होगी द ग्रास ड्राइड अप गोपी सैड गोलू गोलू ने कहा गोपी जो ग्रास है यानी घास है वो ड्राई हो चुकी है यानी सूख चुकी है द वॉटर इन द लेक इज ड्राइंग अप सेट कछुआ कछुआ ने क्या कहा जो वॉटर है लेक का वो भी सूख रहा है ड्राई हो रहा है क्रॉक्रॉक्स सेट द फ्रॉक्स व्हाट आर यू गोइंग टू डू फ्रॉग ने अपनी आवाज में क्रॉक क्रॉक करते हुए कहा व्हाट आर यू गोइंग टू डू हम आप क्या करेंगे क्वैक क्वैक सेट द वाइल्ड वी आर गोइंग टू फ्लाई अवे टू नाइट We will find another lake. जो डक होते हैं वो अपनी वर्ड में कहती है क्वैक क्वैक और क्या बोलती है उसमें वो वी आर गोइंग टू फ्लाई अवे टू नाइट हम आज रात को यहां से उड़कर चले जाएंगे वी विल फाइंड अनदर लेक हम एक नई लेक ढूंढेंगे दूसरी लेक ढूंढेंगे हेयर द क्वैक क्वैक इज अउंड ऑफ डक एंड क्रॉक क्रॉक इज अ साउंड ऑफ

मैं तो बहुत धीरे चलता हूँ आई कांट फ्लाई मैं उड़ भी नहीं सकता। What am I going to do? मैं क्या विदाउट यू सैड गोपी क्योंकि गोपी गोलू टोटो के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं तो वो कहते हैं हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे या फिर तुम्हारे बिना यही रहेंगे मतलब उसको साथ नहीं छोड़ने वाले थे वो यस yes, सेड गोलू तो गोलू भी कहता है कि हाँ वी आर टेकिंग यू विद अस हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे हाउ सेड कछुआ कछुआ ने कहा कैसे हाउ मीन्स कैसे गोलू वॉक्ड ऑफ इन टू द जंगल जो गोलू था वो जंगल की तरफ बढ़ा जाने लगा वेन ही केम बैक ही हैड अ बिग स्ट्रॉन्ग स्टिक इन बीक और जब वो वापिस आया तो उसकी जो बीक थी उसमें एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा स्टिक था स्टिक मीन डंडा था कम कछुआ ही से आओ कछुआ होल्ड ऑन टू द मिडल ऑफ द स्टिक और ये जो स्टिक है उसके बीच में से, से मुंह से अपने पकड़ो ठीक है उसको पकड़ो नाउ बी केयरफुल कछुआ सेड गोपी गोपी कहता है अब कछुआ तुम केयरफुल हो जाओ यानी अपना रखो डू नॉट टॉक और बात मत करना डोंट ओपन योर माउथ और अपना मुंह भी मत खोलना इफ यू टॉक यू विल फॉल डाउन अगर तुम बात करने लगे तो तुम नीचे गिर जाओगे सी हेयर गोलू एंड गोपी आर होल्डिंग द स्टेक एंड द टोटॉइस इज होल्डिंग द स्टेक विद द हेल्प ऑफ हिस् माउथ ठीक है नेक्स्ट लाइन कछुआ हेल्थ ऑन टू द मिडल नेक्स्ट पेज ऑफ द स्टेक जो गोपी था और गोलू था उन्होंने तो किनारे किनारे से पकड़ रखी थी स्टिक को और जो कछुआ था उसने क्या किया अपने मुंह से बिल्कुल बीच में मिडल में मिडल उस स्टिक को होल्ड किया हुआ था गोपी हेल्ड वन एंड ऑफ द स्टिक गोपी ने एक तरफ स्टिक पकड़ रखी थी गोलू द स्टिक और गोलू ने दूसरे एंड से पकड़ा था स्टिक को ऑफ द फ्लू इन टू द ब्लू स्काई और वो नीले आसमान की तरफ उड़ चले दॉट सन शोन डाउन ऑन दाम जो बहुत ज्यादा गर्म सूरज था वो उनके ऊपर अपनी गर्मी देने लगा दे फ्लू ओवर मैनी स्मॉल विलेजेस और वो धीरे धीरे करके जो छोटे छोटे विलेजेस थे गाँव थे उनके ऊपर से गुजरने लगे द पीपल लुक्ड अप जो लोग थे वहां के वो ऊपर देखने लगे दे लाफ्ड और वो फिर हंसने लगे हाउ फनी इज हैंगिंग इन हंसने लगे और बोलने लगे कि हाउ फनी कितना फनी है ये तो दिस कछुआ इज हैंगिंग इन द एयर जो कछुआ है वो एयर में हैंग कर रहा है हवा में झूल रहा है कछुआ इज हैंगिंग इन द शाउटेड ऑल द पीपल और फिर सारे के सारे जितने लोग थे वहां पे तेते चिलान लगे अरे वो देखो कछुआ हवा में झूल रहा है डोंट लाफ एट कछुआ ऐसा देख के कछुए को बुरा लगा उसे गुस्सा आया और वो चिल्लाया कि मेरे ऊपर मत हंसू डाउन डाउन फेल द सेली सेटॉइस जो ट था वो बेवकूफ था उसने ये तो सोचा नहीं कि मैं तो अगर मुंह खुलूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा बट उसने बस ये सोचा कि मेरी बेजती हो रही है है ना तो ऐसा होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं है ना और कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे इंसल्ट कर रहा है बल्कि हम एक अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि हम काम अच्छा कर रहे हैं तो हमें किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं है हमें चुपचाप से वो काम करते रहना चाहिए क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं है ना लोग तो कुछ भी बोलते हैं तो हमें दूसरों की बात नहीं सोचनी चाहिए सिर्फ अपना माइंड यूज करना चाहिए और सही काम करना चाहिए ठीक है सो द मॉरल बेवकूफ नहीं बनना चाहिए हमें किसी की बातें सुन के बुरा नहीं लगना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि हम सही हैं हम सही कर रहे हैं तो हमें दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए ओके सो विद दिस क्लास एंड हेयर सोडस और चैप्टर I hope you understand this chapter and you like this chapter. With this, a class end here. I wish you the next time. Till then, stay home, stay safe.